प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि सर्दियों के दिन आ ही चुके हैं जो कि सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्दियों के दिन में हम प्रकृति का जो आभास करते हैं वो आपको गर्मियों में देखने को नहीं मिलेगा। सर्दियों के दिन में आप प्रकृति के इतने करीब, इतने पास रहते हैं क्योंकि उस समय आपको कोई भी आर्टिफिशियल ठंडी हवा की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आपको चार दीवारी की ज़रूरत नहीं है। आप खुले आसमान के नीचे सूरज की गर्मा गर्म किरणों का मज़ा उठाते हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं सर्दियों के दिन। तो ये तो बात हो गई जब आप सूरज की किरणों के आसपास रहते हैं। अब 24 घंटे आपके लिए सूरज तो नहीं उगता, तो उस समय क्या करें जब सूरज नहीं होता है? तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं। उन्होंने इन्वेंट किया हीटर। जी हाँ, आप हीटर के थ्रू अपने आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, अपने सराउंडिंग के जो टेम्परेचर को है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखते हैं। बट आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी बंद कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हैं और उस बंद कमरे में कुछ समय बाद आपको घुटन महसूस होना स्टार्ट हो जाती है या आपके त्वचा पे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है? तो ये सब किस वजह से होती है और क्या कारण रहता है इन सभी समस्याओं का जो सर्दियों में आती हैं, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है एक HVAC सिस्टम में, वो भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो ये था हमारा HU जो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से जाके HU की मेन ऑन कर देते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारी HUs को मिल पाए। उसके बाद मैं एक एक करके आपको ये सब चीज़ें बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। तो सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी त्वचा में आने वाला रूखापन। अब ऐसा क्यों होता है? सर्दियों के दिनों में जो पानी की मात्रा रहती है हवा में वो बहुत कम हो जाती है, और हीटर का इस्तेमाल करने के बाद वो मात्रा घट के और ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे त्वचा में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है या इचिंग कहते हैं जिसको हम, और साथ के साथ घुटन होना महसूस स्टार्ट हो जाती है। घुटन क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन के लेवल का गिर जाना। अब ऐसा क्यों? तो सर्दियों के दिन में हम लोग जो घर के दरवाजे खिड़कियां होते हैं उसको बंद कर लेते हैं और साथ के साथ हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर क्या करता है? हीटर हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं या पानी की मात्रा होती है उसका लेवल गिराता है, और जो खिड़की दरवाजे हम बंद कर लेते हैं जिसके वजह से जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर इंटर नहीं कर पाती, जिसके वजह से क्या होता है ऑक्सीजन या फ्रेश एयर अंदर नहीं आ पाती और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है और हमें घुटन महसूस होती है, और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो HVAC सिस्टम में ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि हीटर का इस्तेमाल HVAC सिस्टम में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए वो इस वीडियो में जान लेते हैं। तो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक मार दीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो कैसे HVAC सिस्टम में एयर के ऑक्सीजन लेवल को, या ये कह लीजिए ह्यूमन कम्फर्ट के हिसाब से ऑक्सीजन के लेवल को, ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले HVAC सिस्टम में हवा में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम का यूज़ होता है और उसका नाम है ह्यूमिडिफायर। जी हाँ, ह्यूमिडिफायर के ऊपर एक मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो ये आप सामने जो देख पा रहे हैं ये है पैन ह्यूमिडिफायर। पैन ह्यूमिडिफायर क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी के थ्रू, इसके अंदर हीटर लगे होते हैं, नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हीटर लगे रहते हैं, और हीटर को गर्म करके पानी को उबाला जाता है। जैसे हम घर में नॉर्मली पानी को उबालते हैं उसी तरीके से हीटर के थ्रू पानी को उबाला जाता है, और उबालने के बाद जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से क्या निकलेगी, भाप निकलने लग जाती है, और उसी भाप का इस्तेमाल करके मेंटेन किया जाता है वाटर वेपर्स को, और ये लगा रहता है HU रूम के अंदर। जी हाँ, जहाँ से HU रूम में एयर इंटर करती है वहीं पर लगाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है जो हवा HU से होती हुई रूम तक पहुँचती है वो इसमें से जो ये वाटर वेपर्स आप देख पा रहे होंगे भाप बन रही है इसको भी रूम्स तक ले जाता है, जिससे कि क्या होता है जो वाटर वेपर्स की मात्रा है वो नहीं घटती है एयर के अंदर। तो जहाँ पर आप हीटर की बात करते हैं, हीटर के वजह से क्या होता है, हीटर के इस्तेमाल करने से या बार बार वही हवा को आप एक ही रूम में सर्कुलेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है फ्रेश एयर उसमें नहीं आ पाती या फ्रेश एयर उसमें नहीं मिक्स हो पाती है, जिसके वजह से उसमें ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है। तो उसके लिए आप फ्रेश एयर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के लेवल को
बराबर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पैन ह्यूमिडिफायर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है, इसमें से भाप निकलती है। भाप निकलने के वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं, भाप के अंदर क्या होता है, पानी की बूंदें तो होती हैं, तो वो पानी की बूंदें हवा के साथ मिक्स होकर मेंटेन रखती है ह्यूमिडिटी को। जी हाँ, इसीलिए इसको ह्यूमिडिफायर कहा जाता है। तो जल्दी से इसके ऊपर का जो ढक्कन है जिसके अंदर हीटर लगे हुए हैं वो खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर से किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारा सिस्टम इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यानी कि जब तक आपका एचयू ऑन नहीं होगा तब तक हीटर ऑन नहीं होंगे, हीटर ऑन नहीं होंगे तो पैन ह्यूमिडिफायर ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरलॉक हैं। तो चलिए, हमने खोल दिया है अपना ये ढक्कन पैन ह्यूमिडिफायर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से इसके अंदर का पूरा सिस्टम वर्क करता है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था, जब मैंने इसको खोला तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया था, क्योंकि आपको पता है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो ढक्कन है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था पानी के साथ साथ। तो इस तरफ आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, या ये कह लीजिए जहाँ पर आपका पानी आपको दिख पा रहा है, ये अलग साइड है। और इसके आगे की तरफ इसका पैनल है, वहाँ पर कंट्रोलिंग पैनल या इलेक्ट्रिक पैनल है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें से भाप निकल रही है, और यही भाप पहुँचती है एचयूज के थ्रू रूम्स तक जहाँ पर गर्मी की ज़रूरत होती है। तो ये हीटर पानी को गर्म करते रहते हैं बार बार, कुछ देर बाद ये कट ऑफ भी हो जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर पूरा आ जाता है पानी का, उसके बाद ये अपने आप पैन ह्यूमिडिफायर बंद हो जाता है। और जैसे ही भाप बनना बंद हो जाती है या पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर से ये हीटर्स ऑन हो जाते हैं और फिर से पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि भाप रेगुलर बनती रहती है जब तक एचयू ऑन रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसमें इंटरलॉकिंग का सिस्टम है, तो जैसे ही आप हीटर या एचयू को बंद कर देंगे तो पैन ह्यूमिडिफायर अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इस पैन ह्यूमिडिफायर का तब इस्तेमाल किया जाता है जब हवा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। इसी के विपरीत मैंने एक और वीडियो में आपको समझाया था डी ह्यूमिडिफायर, जी हाँ, उसका इस्तेमाल किया जाता है बरसात के दिनों में। उसके इस्तेमाल से क्या होता है, जो पानी के वेपर्स होते हैं उनको कम किया जाता है हवा में से। बरसात के दिनों में जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो हवा में पानी की या ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है डी ह्यूमिडिफायर। और अभी यूज़ किया जाता है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि अभी पानी की मात्रा कम हो जाती है हवा में, तो अभी यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिफायर। तो ये है पैन ह्यूमिडिफायर, इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं इसके, इसका इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे आती है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इसमें सब दिखा रखा है। आप जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिलेगा, या तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि पैन ह्यूमिडिफायर किस तरीके से होता है या किस तरीके से इसके पार्ट्स होते हैं। और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रखने के लिए फ्रेश एयर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर हैंडलिंग रूम्स तक आपकी डक्ट के थ्रू फ्रेश एयर पहुंचाई जाती है और मिक्स किया जाता है उसको एयर हैंडलिंग यूनिट में जो एयर होती है उसके साथ, जिससे कि दोनों हवा मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है और पहुँचता है रिक्वायर्ड रूम तक जहाँ पर हमको गर्मी की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस तरीके से सर्दियों के दिनों में ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखा जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।